हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमयू टीचिंग व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर बेस्ट एंड इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस ओनली फॉर यू। जी हाँ दोस्तों, आप ही को इंपॉर्टेंस देते हुए आप ही के इस हाई डिमांड पे मैं लेके आया हूँ ज्योमेट्री का फुल फ्लेज वीडियो। इस वीडियो में आज हम सुनने वाले हैं ज्योमेट्री किसे कहते हैं, मीन्स व्हाट इज कॉल्ड ज्योमेट्री, व्हाट इज ज्योमेट्री, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट बेसिक ज्योमेट्री। तो बिना किसी देरी है चलिए समझते हैं ज्योमेट्री को अपने अंदाज में। तो दोस्तों अभी हम जानने वाले हैं ज्योमेट्री के बारे में। तो फ्रेंड्स, ज्योमेट्री से जो हम थोड़ा सा हल्का सा निचोड़ लेते हैं उसका मीनिंग, बेसिक मीनिंग इतना जानते हैं ज्योमेट्री का पहले, कि ज्योमेट्री का मतलब है जियो प्लस मेट्री इज इक्वल टू ज्योमेट्री। जियो प्लस मेट्री इज इक्वल टू ज्योमेट्री हुआ। तो फ्रेंड्स, ये जो जियो जो है और ये जो मेट्री है, तो जियो का मतलब क्या है? जियो का मतलब है अर्थ, ज्योग्राफी, उसी को हम अर्थ भी बोलेंगे, अर्थ प्लस। और मेट्री जो है उसका मतलब है मेजरमेंट, मापना। मेजरमेंट, तो यहां देखिए जियो प्लस मेट्री, तो मेट्री का मतलब हम लोग का मेजरमेंट हो गया और जियो का मतलब अर्थ हो गया। तो अर्थ प्लस मेजरमेंट इज इक्वल टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में बेसिक मीनिंग आप इतना ही समझ लीजिए, ठीक है? उसके बाद हम जानेंगे ज्योमेट्री का डेफिनेशन के बारे में। तो अभी जानते हैं ज्योमेट्री के डेफिनेशन के बारे में। तो दोस्तों, ज्योमेट्री का डेफिनेशन क्या है, यहां देखो आप। ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, पहले वो जानते हैं, ठीक है? ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, उसका मतलब क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स मीन्स ये, मतलब वो मैथमेटिक्स के ब्रांच में बिलोंग करता है, तो उसको हम कहेंगे ज्योमेट्री। और दूसरा यहाँ और एक देखिए, ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, दैट स्टडीज अबाउट शेप, साइज, एंगल, डायमेंशन एंड एटसेट्रा। तो इन सभी चीजों के बारे में ज्योमेट्री जो है हमें जानकारी देता है, ठीक है? तो उसी को हम ज्योमेट्री कहते हैं, क्लियर? तो फ्रेंड्स, एट फर्स्ट इन ज्योमेट्री वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट लाइन। तो दोस्तों, लाइन के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो लाइन को जानने से पहले ये जानेंगे कि लाइन कहते किसे हैं, लाइन क्या है, वो पहले हम जानेंगे। तो दोस्तों, लाइन में मोटा मोटी इतना समझ लो कि लाइन कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल व्हिच हैव नो थिकनेस एंड इट एक्सटेंड बोथ डायरेक्शन एंडलेसली इनफिनिटी, इट इज कॉल्ड लाइन। तो ये जो डेफिनेशन मैंने आपको इतना बड़ा समझाया, इसका मतलब क्या है? इसका जो है डेफिनेशन बड़ा है पर मतलब छोटा सा है। वो छोटा सा मतलब क्या है, यहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। आपको कैमरे के उस तरफ क्या दिख रहा होगा तो मुझे पता नहीं, पर मेरे हिसाब से ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है? तो लेफ्ट डायरेक्शन इस तरफ बिना रुके एक्सटेंड हो जाएगा, फिलहाल तो मैंने इतना बना, पर यहां 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 बढ़ते जाएगा नॉन स्टॉप। और इस तरफ राइट है, तो राइट में इस तरफ बढ़ते जाएगा, एंडलेसली एक्सटेंड होता रहेगा, और थिकनेस नहीं है इसका ज्यादा, नो थिकनेस, इट इज कॉल्ड लाइन। सिंपल इतना समझ लो, ये हमारा लाइन है, ठीक है? तो लाइन का कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं। तो लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या क्या है? इट एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन एंडलेसली, पहला प्रॉपर्टी हो गया। इन सभी को आप याद कर लीजिए जो जो प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, ठीक है? दूसरा प्रॉपर्टी है इट हैव नो थिकनेस, तीसरा हमारा प्रॉपर्टी हो गया इट इज ओनली ऑफ वन डायमेंशनल, ठीक है? इन तीनों प्रॉपर्टी का मतलब भी आपको बताता हूं। पहली बात जो मैंने अभी आपको बोला, लाइन का थिकनेस नहीं होता। दूसरी बात, एट डायमेंशनल, 1D, 2D, 3D तो पता होगा, राइट? ठीक है, तो वन डायमेंशन मतलब एक तरह से, थ्री डायमेंशन तीनों तरफ से देख सकते हैं, ऐसे ऐसे थ्री टाइप्स, थ्री डायमेंशनल, ठीक है? तो वैसे ही, और तीसरा जो था वो क्या, तीसरा जो है इट एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन, लेफ्ट, यहां मैंने आपको बताया ना, लेफ्ट राइट दो डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकता है बिना रुके, तो इसको हम लाइन कहते हैं। इन तीन प्रॉपर्टी को अगर आपने याद कर लिया तो लाइन के बारे में आप क्लियर हो जाओगे। तो लाइन तो फ्रेंड खत्म हुआ, अभी हम जानेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। तो फ्रेंड, लाइन सेगमेंट क्या है? ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन व्हिच हैव टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है? तो ये डेफिनेशन जो मैंने आपको बोला, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइन सेगमेंट दोस्तों, देखो एक लाइन होगा, पहले डेफिनेशन में क्या देता, ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, सिंपल है, लाइन है तो लाइन सेगमेंट होगा ना, तो लाइन सेगमेंट जो है लाइन का पार्ट है। दूसरा क्या देता, इट हैव टू एंड पॉइंट इन बोथ डायरेक्शन, दो एंड पॉइंट होंगे, कहां पे, एक लेफ्ट में राइट में। तो ये मैंने यहाँ एंड पॉइंट लिया, यहां से मैंने स्टार्ट किया, क्या किया गया, गया यहां तक, यहां मैंने एक पॉइंट लिया, तो इस लाइन के एंड पॉइंट कितने हैं, दो है, यहां एक और एक यहां, तो ये जो दो एंड पॉइंट लाइन के हुए, तो मतलब ये क्या होगा हम लोग का, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ए लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट इन बोथ डायरेक्शन एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट इट कॉल्ड लाइन सेगमेंट। सिंपल, आप इतना ही समझ लो लाइन सेगमेंट में, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है?
So friends, here are some properties about line segment. Just remember them. These all properties are too small. You can remember. इन सभी properties को आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, कुछ छोटे छोटे से हैं. इन properties को अगर आपने याद कर लिया तो आप line segment के बारे में पूरी तरह से जान जाएंगे. तो अभी हम जानने वाले हैं ray के बारे में. तो दोस्तों ray क्या है पहले वो जानते हैं. A ray is a part of line which is a fixed starting point but no ending point. It is called ray. तो fixed starting point line में क्या था, हम लोग का line में था दो तरफ extend हो सकता है. यहाँ वैसे ray में क्या है, फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट होगा. एक पॉइंट लिया मैंने, रे का फिगर बना के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है. यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन गया, ठीक है. तो ये फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट और यहां पे एंडिंग पॉइंट नहीं होगा उसका. रे डजंट हैव एनी एंड पॉइंट, ओके. इट हैव स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट. कहीं पे भी पॉइंट ले लूंगा, यहां पे भी एक पॉइंट लेके ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा, जाएगा जाएगा पर एंड नहीं होगा, ये बढ़ते जाएगा अपना. इसको हम कहते हैं रे, ठीक है. सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम प्रॉपर्टीज अबाउट रे. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज. तो दोस्तों रे की, रे जो है उसके कुछ प्रॉपर्टी भी हैं. वो क्या क्या है, पहला प्रॉपर्टी है दोस्तों, दो ही प्रॉपर्टीज है, ठीक है. पहला है रे है फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट. और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी सबसे इजी है. दूसरा प्रॉपर्टी जो है, रे इज ए पार्ट ऑफ लाइन. दो ही प्रॉपर्टी है, आराम से याद कर लीजिए, आप इसको आराम से समझ जाएंगे. तो दोस्तों अभी हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में. तो फ्रेंड लाइन जो है वो तो हम जान गए, पर अभी हम जानेंगे टाइप्स ऑफ लाइन. लाइन के प्रकार कितने हैं, कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइन आते हैं. देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ लाइन. व्हाट आर दे, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, कर्व लाइन, वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन. तो चलिए सभी को एक एक करके समझते हैं. तो दोस्तों अभी हम जानने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में. तो फ्रेंड स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या है, नाम से ही पता चल रहा है ना कि स्ट्रेट लाइन जो होगा स्ट्रेट, स्ट्रेट सीधा होगा, पूरी तरह से सीधा लाइन होगा, उसी को हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन. ऐसे भी अगर होगा तो भी स्ट्रेट लाइन है, टेढ़ा है पर मगर सीधा तो लाइन है ना, सीधा है, स्ट्रेट है. तो ये हमारे क्या हुए, ये सब हमारे क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन होंगे ना, स्ट्रेट लाइन. तो ये मतलब लाइन टेढ़ा हो मेढ़ा हो जैसा भी, ऊपर स्ट्रेट होगा, सीधा होगा तो वो स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में क्या लोगे, अभी हम जानेंगे कर्व लाइन के बारे में, ठीक है. तो फ्रेंड कर्व लाइन क्या है, कर्व लाइन स्ट्रेट लाइन जो था वो सीधा था, कर्व लाइन जो होगा टेढ़ा मेढ़ा होगा. कैसे होगा, मतलब ऐसे ऐसे हो सकता है राउंड शेप का, या फिर ऐसे 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 होके ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकता है. टेढ़ा मेढ़ा कर्व होना चाहिए, ऐसे जाके ऐसे जा सकता है. लाइन है हमारा टेढ़ा है ना, तो दीज आर कॉल्ड कर्व लाइन. ठीक है, तो ये जो हमारे कर्व लाइन के कुछ एग्जांपल्स हैं. तो अभी हम जानेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में. सो फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, मैं आपको बता देता हूं. हॉरिजॉन्टल द लाइन व्हिच इज स्ट्रेट इन सरफेस, इन प्लेन सरफेस लाइक दिस. यहां मान लो एक व्हाइट बोर्ड है, यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा एक लाइन. तो लाइन मैंने कैसा ड्रॉ किया आप बताओ, स्ट्रेट ड्रॉ किया ना, पूरी तरह से पूरा स्ट्रेट है कि नहीं बोलो, पूरा सीधा लाइन है. तो कहां बनाया, मैंने सरफेस पे बनाया. सरफेस इमेजिन करो, यहां सरफेस है, यहां पे हमने लाइन ड्रॉ किया. तो ये हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा. लाइन लेफ्ट राइट किसी डायरेक्शन में सीधा हुआ, हॉरिजॉन्टल, ठीक है. तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, दीज आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. और एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे कि यहां पे ऐसे भी हो सकता है, सीधा होगा जैसा भी हो, लाइन ऐसे होगा. स्ट्रेट लाइन जैसे हम लोग का था, उसमें हम लोग ऐसे खाली टान देते थे ऐसे, पर वहां पे हम लोग ऐसे ऐसे नहीं देते थे ना, सेगमेंट्स नहीं देते थे, एरो नहीं देते थे. वैसे यहां पे हम लोग को एरो देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन यही है बेसिकली, इतना समझ लीजिए, ठीक है. अभी हम जानेंगे वर्टिकल लाइन के बारे में. सो फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल अगर हम लोग का सरफेस में ऐसे प्लेन मतलब स्ट्रेट होता है, तो वर्टिकल उसका उल्टा होगा. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ऑपोजिट इज वर्टिकल. तो वर्टिकल लाइन बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, यही है कि वो ऊपर अप जाएगा नहीं तो डाउन जाएगा. हॉरिजॉन्टल जो था वो लेफ्ट साइड जाऊंगा तो लेफ्ट जाऊंगा, राइट जाऊंगा तो राइट, ऐसा था. और वर्टिकल जो है ऊपर नीचे ऐसा जाता है. तो एक एग्जाम्पल देता हूं, ये देखो ये लाइन ऊपर जाएगा, ऊपर जाऊंगा तो ऊपर जाऊंगा, नीचे जाऊंगा तो नीचे, कुछ इसी तरह का लाइन होता है. ये हमारे क्या हुए, ये सारे वर्टिकल लाइन. वर्टिकल, ठीक है.
तो दोस्तों अभी हम जानने वाले हैं पैरेलल लाइन के बारे में। तो पैरेलल लाइन जो है वो क्या है, ये है, एग्जांपल देता हूं आपको। तो ये पैरेलल लाइन हो जाएंगे। देखो ये दो लाइन जो है इनका मतलब अगर आप साइज मापोगे तो मान लो इसका 6 सेंटीमीटर आया, इमेजिन करो ठीक है, और ये नीचे वाले का भी 6 सेंटीमीटर आ गया। इन दो ये पूरा इतना, ये जो इतना इतना है ना यहां से यहां तक, इसका 6 है, इसका भी 6 है, दो लाइन इक्वल है, दोनों का साइज भी इक्वल है, दोनों का मतलब यहां जैसे है यहां भी वैसे, यहां यहां सेम टू सेम है पूरा, कोई डिफरेंस है क्या यहाँ पे? ये देखो पैरेलल लाइन, तो यहां देखो दो लाइन मैंने बनाया, दो लाइन का पहले वाले का 6 सेंटीमीटर लेंथ है, दूसरे वाले का भी 6 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का लेंथ भी सेम है, साइज भी सेम है, इक्वल है, दो लाइन इक्वल होंगे आपस में तो पैरेलल हो गया, इतना ही समझ लो। ये लाइन कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं पैरेलल लाइन, यहाँ पे बीच में ऐसे भी एरो हो सकता है, यहाँ पे या तो ऐसे भी एक एरो हो जाएगा पैरेलल में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा ठीक है। तो ये थे हमारे पैरेलल लाइन। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे परपेंडिकुलर के बारे में। परपेंडिकुलर जब आपस में दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, दो लाइन जो किस तरीके के लाइन होंगे, पहला आपका हो जाएगा वर्टिकल लाइन, रुकिए सीधा बना था टेढ़ा हो गया, आप देखो पहला आपका वर्टिकल, फिर यहां से इंटरसेक्ट करेगा हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ये जो है ये वर्टिकल लाइन है ठीक है, वर्टिकल, और ये नीचे वाला जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। पहला वाला ऊपर में एक लाइन है वो वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करके कितना डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इतना चीज कॉमन है परपेंडिकुलर में कि हमेशा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ही इंटरसेक्ट करके 90 डिग्री कैसे भी इंटरसेक्ट करे वो मुझे नहीं पता, पर 90 डिग्री बनाएगा तो हमारा हो गया परपेंडिकुलर, अंडरस्टैंड। और ये जो 90 डिग्री और ये जो मैंने बताया ये हम एंगल में समझेंगे फ्रेंड ठीक है, अभी खाली परपेंडिकुलर में दिया था बोल के मैंने बोला, पर बाकी आप 90 डिग्री क्या है वो सब हम एंगल में जानेंगे। सो फ्रेंड्स नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट एंगल, सो लेट अंडरस्टैंड। तो दोस्तों एंगल क्या है वो तो जानेंगे ना, एंगल से पहले थोड़ा सा बेसिक ज्ञान हम ले लेते हैं। फिगर व्हिच इज फॉर्मड ड्यू टू टू रेज और लाइंस टू फॉर्म ए एंगल इट इज कॉल्ड आवर एंगल, मतलब क्या, डेफिनेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही दिया है, एक फिगर होगा ठीक है, पहला फिगर होगा, फिर उसके बाद दिया है कि मतलब दोनों का कॉमन एंड पॉइंट, लाइन का कॉमन एंड पॉइंट होगा या तो रे का, दोनों का कोई एक ही यूज होगा ठीक है, दो नहीं, तो उन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट शेयर किया जाएगा तो उसे हम कहेंगे एंगल ठीक है। तो एग्जांपल देता हूं और अच्छे समझने के लिए, मान लो ये एक रे है, मैं रे को पहले लेना चाहूंगा, इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन एंड पॉइंट मान लेते हैं, ये रे हुआ, फिर यहां से मैं और एक रे लूंगा ठीक है, तो ये दो रे हुए, दोनों रे ने अपना कॉमन एंड पॉइंट शेयर कर दिया, स्टार्टिंग एंड ऐसे हो गया ना, तो इसको मैं अगर यहां से एक धुएं से तो ये कितने डिग्री का होगा फ्रेंड्स, और एक आपको मैं बता देता हूं कि एंगल जो हम बनाते हैं ना एंगल, उसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं, हम उसे प्रोटेक्टर के थ्रू माप सकते हैं, प्रोटेक्टर बेसिकली क्या है आप देख सकते हो ठीक है, इसी के थ्रू एंगल को मेजर किया जाता है, तो ये हमारा 90 डिग्री का होगा, करेक्ट 90 डिग्री होगा, आप मेजर कर सकते हो खुद बना के ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं क्या, एंगल कहते हैं। कैसे हो गया एंगल, क्योंकि देखो दोनों का कॉमन एंड पॉइंट ये रहा पहला, और ये रे है और ये भी रे है, ये रे हो गया, ये भी रे है, और ये इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट हुआ, तो ये तीनों जब मिल जाएंगे ना तो ये हमारा एंगल हो जाएगा। डेफिनेशन में क्या लिखा था वही मैंने यहाँ फॉलो किया, उन दोनों को फॉलो करते ही सिंपली हमें पता चल गया कि भाई एंगल ये है, इतना ये होता है। तो दोस्तों यहाँ मैं और भी कुछ एंगल के फिगर बना देता हूँ आपको, वो तो मैंने रे का यूज करके बनाया था, मैं लाइन का यूज करूंगा ठीक है, लाइन ये देखो ये कितने डिग्री का है वो तो पता नहीं, पर अंदाज से मुझे 60 डिग्री दे देता हूँ, आप इसे मेजर करके आप माप सकते हो कितना डिग्री का है, फिलहाल 60 दे देता हूँ ठीक है। तो
तो ये एक एंगल हो सकता है लाइन से, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करके दोनों का एंगल बन गया, खत्म और कुछ नहीं। तो दोस्तों अभी मैं और एक फिगर बना के आपको दिखाता हूं लाइन से। ये भी हमारा एक एंगल हो सकता है, ठीक है, इस तरीके के भी एंगल आते हैं। और एक दिखाता हूं, ऐसे भी हो सकता है, या तो एंगल पूरा ऐसे जाएगा, ऐसे हो जाएगा, रुकिए ठीक से बनाता हूं, इस तरीके से, ऐसे होगा। तो ये मैंने लाइन से कुछ एंगल बना दिया, आप देख सकते हैं एंगल कुछ इस टाइप्स के भी हो सकते हैं, कुछ फिगर्स एंगल के, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, एंगल क्या है वो तो हम जान गए, पर टाइप्स ऑफ एंगल क्या है वो भी जानेंगे, एंगल के प्रकार कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल आर देयर, देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ एंगल, वो क्या क्या है, सबसे पहला आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल, फिर दूसरा है राइट एंगल, तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल, चौथा आपका होगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल, पांचवा होगा स्ट्रेट एंगल, और छठा हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो चलिए इन सभी को एक एक करके क्लियर होकर समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानने वाले हैं एक्यूट एंगल के बारे में। तो फ्रेंड एक्यूट एंगल क्या है, द एंगल व्हिच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। लेस देन 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री, आप एक काम करो प्रोटेक्टर लेके उसे मेजर करो, एक एंगल बनाता हूं यहां देखो, इसको आप मेजर करो, इन 90 डिग्री का आ रहा है या उससे कम है, लीजिए ये मैंने एक एंगल बनाया, अब आप एक काम करो इसको मेजर करो कितना का आ रहा है, जल्दी ये आ रहा है 60 का, अपने अंदाज से बोल रहे हैं 60 का होगा शायद, 90 डिग्री से कम होगा एंगल तो वो हमारा हो गया एक्यूट एंगल, इतना समझ लो, कोई भी एंगल हो 90 डिग्री से कम होना चाहिए तो एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम समझेंगे राइट एंगल के बारे में, एक्यूट जो था वो 90 से कम था, पर राइट जो है 90 से बड़ा, 90 में ही रहेगा, उससे एग्जैक्टली 90 डिग्री रहेगा, द एंगल व्हिच इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, ओके। राइट एंगल कैसे हो सकता है, ऐसा होता है देखो, राइट एंगल ऐसा भी राइट एंगल हो सकता है, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, एक कम बेसी नहीं, पूरा 90 डिग्री होगा, या आपका ऐसा भी एक राइट एंगल होगा, देख लो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री है। तो ये कुछ राइट एंगल के फिगर मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। The angle which is exactly 90 degree is called right angle. तो दोस्तों अभी हम जानने वाले हैं ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में। तो फ्रेंड ऑब्ट्यूस एंगल जो है, द एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल जो होगा 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, मतलब 90 और 180 के बीच में आना, बिटवीन आना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। यहां मैं कुछ फिगर बना के आपको दिखा देता हूं। सपोज मान लीजिए ये 150 डिग्री का एंगल है, जस्ट इमेजिन, ठीक है, 150 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री जो है हमारा, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये दो से मतलब 90 से ज्यादा होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, राइट। तो 90 और 180 के बीच में 150 आ रहा है कि नहीं बोलिए, ये आ रहा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिक्स एंगल हो जाएगा, 90 और 180 के दोनों बीच में ये आ रहा है, तो ऑब्वियसली सिंपल ही ऑप्टिक्स एंगल हो गया उसके बाद। तो दोस्तों अभी हम जानने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल के बारे में, तो चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल जो है वो क्या है, उसका डेफिनेशन पहले आपको बोल देता हूं, इफ द मेजर ऑफ टू एंगल आर इक्वल देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल, इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको मैं फिगर बना के दिखाता हूं, ज्यादा समझ जाएंगे। ये दो एंगल है, ठीक है, इसका आ रहा है 60 डिग्री, इसका आ रहा है 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स इन दोनों एंगल में कोई डिफरेंस है क्या, मतलब इफ द मेजर ऑफ टू, मेजर आया था कि नहीं डेफिनेशन में, इफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स, आई हैव टेकन टू एंगल्स एंड द मेजर आर इक्वल 60-60, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आइडिया आ गया होगा क्या, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल हो जाएंगे ये दोनों, द एंगल आर इक्वल इन साइज, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट एंगल,
ओके यही हमारा कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल है, दो एंगल का माप। आप एक काम करना, आपको क्वेश्चन मिला रहेगा कुछ इस तरीके से, देखो कुछ इस तरीके से मिला रहेगा, एक ऐसा एंगल होगा और एक ऐसा एंगल होगा। आपको बोला गया होगा फाइंड व्हिच, फाइंड दैट दीज टू एंगल आर कॉन्ग्रुएंट्स और नॉट, ये दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं, इसका मतलब। ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्रोटेक्टर लेना, सिंपली यहाँ प्रोटेक्टर को रखा, ठीक है, तो इसको आप मेजर करोगे कितना आ रहा है। मान लो एक 50 डिग्री आ गया, अरे 50 का 40 डिग्री आ गया, चलो मान लो, ठीक है, और दूसरे वाले को आपने ऐसे प्रोटेक्टर रख के मेजर किया, ये भी आपका 40 आ गया, जस्ट इमेजिन 40 आ गया, तो आप बोलो ये हमारे क्या एंगल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? सही जवाब, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों का मेजर इक्वल आया ना, इफ द मेजर ऑफ टू एंगल आर इक्वल, डेफिनेशन वही है, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जानने वाले हैं स्ट्रेट एंगल के बारे में। तो स्ट्रेट एंगल क्या है, एंगल पूरी तरह से स्ट्रेट होना चाहिए, द एंगल विच इज एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड आवर स्ट्रेट एंगल। ओके, वो था उसका डेफिनेशन। तो ये स्ट्रेट है पूरी तरह से, और इसका कितना डिग्री आएगा बोलो, ये कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। प्रोटेक्टर ले लीजिए, प्रोटेक्टर में मापिएगा इस तरफ नहीं तो इस तरफ, 180 डिग्री होगा, देखो तो हमारा ये हो जाएगा 180 डिग्री, प्रिटी सिंपल। द एंगल विच इज एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड आवर क्या, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो इतना ही था स्ट्रेट एंगल। तो दोस्तों अभी हम जानेंगे रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड आवर रिफ्लेक्स एंगल। मतलब एंगल जो होगा 180 से ज्यादा का होगा, 180 डिग्री से ऊपर तक होगा, वो 180 डिग्री से आफ्टर ऊपर तक जाएगा, और कितने से कम होगा, 360 से कम होना चाहिए, 360 डिग्री, 360 डिग्री से कम होना चाहिए, 180 से ऊपर, 360 से नीचे। तो हमारा जो इन दोनों के बीच पॉइंट में जो आएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल है, क्या होगा बोलिए, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम जानेंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में। ठीक है, तो एंगल के बारे में तो हम जान गए, खत्म हो गया, अभी हम जानेंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर एक्सटीरियर क्या है, इंटीरियर पार्ट, मान लो ये एंगल है, ये एक एंगल है, ठीक है, और एंगल का अंदर में मैंने एक पॉइंट लिया ए करके, और बाहर मैंने एक पॉइंट लिया बी करके। तो पॉइंट ए जो है ये एंगल के अंदर है, हाँ या ना, है, तो ये हमारा क्या होगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, घर के अंदर अगर आप हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप कहाँ हो, घर के बाहर या अंदर हो, अंदर हो तो अंदर होना हमारा इंटीरियर हो जाएगा, और अगर आप घर के बाहर कुछ काम के लिए जाओगे या कुछ भी जाओगे ऐसे, तो हमारा एक्सटीरियर हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ हुआ एंगल में, एंगल को आप सपोज मान लो एक घर है, एंगल एक घर है, जस्ट इमेजिन घर के अंदर आप यहाँ पे बैठे हो, बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप घर के अंदर हो ना, तो हमारा इंटीरियर हो जाएगा, इंटीरियर। और घर के आप बाहर जा रहे हो कुछ काम से, तो हमारे क्या होगा, घर के बाहर गए, घर से निकल गए आप, तो हमारा एक्सटीरियर हो जाएगा, एंगल के बाहर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल। तो यही था इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। तो यही था हमारा एक्सटीरियर मींस इंटीरियर और एक्सटीरियर, ठीक है, ऑफ एन एंगल।